पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9778567584 8586984798109810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग की 16 कारण भावना ध्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं आज 16वीं भावना प्रवचन वात्सल्य भावना की ओर। ऐसे श्रमण जो रत्नत्रय को धारण कर मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं वे किसी प्रकार की ख्याति लाभ पूजा की अपेक्षा नहीं रखते। 10 धर्मों को विनय भाव से धारण करने वाले ऐसे श्रमण ही वास्तव में प्रवचन वात्सल्य भावना का अनुकरण कर रहे हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं पंच मुद्रा की पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा के साथ। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में अंतिम 16वीं भावना है प्रवचन वत्सलत्व भावना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण में जो भविजन रत रहते हैं,
वे भवि जन प्रवचन कहलाते, उनमें वत्सल धरते हैं। निश्चल वत्सल भाव कहाता, ख्याति लाभ ना पूजा चाह। प्रवचन वत्सलता का धारक, श्रमण चले तीर्थंकर राह। दश प्रकार के धर्म भाव में, विनय भाव से रमता है। सदृष्टि श्रावक साधु की, योग्य विनय भी करता है। विनय भाव वात्सल्य भाव है, जो साधक यह जान रहा। प्रवचन वत्सल धारक साधक, तीर्थंकर पथ मान रहा। सब जीवों में करुण हृदय है, दया भाव से सिंचित है। तन नो कर्म राग से हट कर, कर्म राग से वंचित है। शुद्धातम की छटा निरखता, प्रवचन वत्सल धारक है। तीर्थंकर पद पाने हेतु, भाव यही शुभ कारक है। सहधर्मी स्नेह सलिल से, चित्त कलुषता को धोता। अंतर मन से कोमल इतना, सुमन श्रमण का मन होता। जिसके मन में प्रेम भाव है, क्षमा भाव है, सुंदर है। सहधर्मी वात्सल्य भाव ही, प्रवचन का नित आदर है। कोई भी ना अपना जग में, कोई नहीं पराया है। सभी अचेतन चेतन पन में, समता भाव सुहाया है। जो सबका सुख चाह रहा है, राग द्वेष से दूर रहे। उसके मन में सहधर्मी से, वत्सलता का पूर्व बहे। विनय और वात्सल्य भाव दो, गुण हैं पर सापेक्षित हैं। जहाँ एक है वहीं दूसरा, नयन मार्ग सम ऐच्छिक हैं। दोनों में से एक भाव भी, जिसमें उसमें दूजा भी। प्रवचन वत्सलता में रहते, प्रेम भाव गुण पूजा भी। तिरस्कार सहधर्मी का जो, करता है वह मानी है। ऐसा कर निज धर्म घट रहा, ना जाने अज्ञानी है। ईर्ष्या दाह कलुषता रख कर, शिव मार्ग का शत्रु बना। क्लेश भाव से शिव पथ चलना, गिर गिर पंगु गिरी चढ़ना। जो विशुद्ध समकित भावों से, समता सुख में डूब रहा। प्रेम भाव सब आत्म पर रख, शुभ भावों में खूब रहा। इसी भाव से आत्म बांधे,
तीन लोक सुख कारक कर्म जिसके उदय फलों में होता जग जीवों को अनुपम शर्म। इस प्रकार तीर्थंकर भावन श्रुत भक्ति से ग्रंथ रचा। मुनि प्रणम्य सागर ने नित जो गुरु भक्ति में रचा पचा। ध्यान लगाकर भाव भक्ति से जो जन इसे त्रिकाल पड़े वह अनंत मुक्ति सुख पाकर अक्षय पद में रहें खड़े। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु।
ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम ह्रीं अरहं प्रवचन वत्सलत्व भावना ममास्तु। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांतिः। ओम अरहं परम शांतिः। ओम अरहं परम शांतिः। क्या आप भी इस प्रकार के विशिष्ट ध्यान प्रतिदिन करना चाहते हैं? तो आज ही अरहं ध्यान योग के माध्यम से अनेकों ध्यान व प्रार्थनाओं के संग्रह को अरहं ध्यान योग के YouTube चैनल पर जरूर देखें। आप
अरहम ध्यान योग के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और प्रत्येक नई गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है। हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है। अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा।